वेलकम दोस्तों टू माय चैनल केमिस्ट्री प्रॉब्लम्स एंड एनालिसिस। यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं जो कि फॉरेंसिक साइंस के रिगार्डिंग एक ही काफ़ी अच्छा पोजीशन आया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पे एमपीएससी के वेबसाइट पे हूँ और मैंने ये पीडीएफ ओपन किया है जो कि अच्छे एडवर्टाइज है। वो ये जो कि डिप्टी डायरेक्टर के पोस्ट पे है, फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट का है ये। अब ये अपॉर्चुनिटी है केमिस्ट्री एक्सपीरियंस पर्सन के लिए जो कि बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी माना जाता है, क्योंकि इसमें जो भी है यहाँ पे हम बात करेंगे तो यह है 6 पोस्ट है और यहाँ पे 2 पोस्ट ओपन के लिए है और बाकी कास्ट के लिए है। ये आप एडवर्टाइज में देख सकते हैं। हम सीधा तो फिर आज डिस्कस करेंगे वो है सीधा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज और बाकी का। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे एज तो ओपन के लिए 40 है और कास्ट के लिए 45 और 43 तक है। तो आप देख सकते हैं उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ में आप सैलरी की बात करें तो 71,000 से 2,11,000 तक है। देन हम बात करेंगे इसका मेन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट का। यहाँ पे देख सकते हो आप एजुकेशनल में एमएससी केमिस्ट्री है विद एटलीस्ट सेकेंड क्लास और डॉक्टरेट डिग्री है तो भी अच्छा है। तो उसके हिसाब से ये यहाँ पे क्वालिफिकेशन है। अगर आपको एमएससी केमिस्ट्री में ये चाहिए, आपका डिग्री चाहिए एमएससी, तो इसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो और उसके अलग अलग डिवीजन है तो उसको आप अप्लाई कर सकते हो। अभी एक्सपीरियंस में है तो कैंडिडेट को शुड हैव एनालिटिकल मेथड इन रिलेवेंट, मतलब कैंडिडेट को ऑलमोस्ट इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट नॉट लेस देन 10 ईयर्स, मतलब एटलीस्ट 10 ईयर्स का कैंडिडेट को एनालिटिकल डेवलपमेंट लेबोरेटरी में किसी भी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस चाहिए, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो आप जो कि 4th कैटेगरी में आएगा जो कि जनरल इंडस्ट्रियल और केमिकल एनालिसिस एंड इन गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोमेट्री में है। यहाँ पे दोस्तों जो भी इसका मेन रोल रहता है वो कैरेक्टराइजेशन रहता है और इसके लिए मोस्टली यूज़ करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट रहता है GCMS। तो आपको GC या GCMS में और GC GCMS में और LC या LCMS में रिलेटेड जिसमें भी एक्सपीरियंस है तो उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो और इस पोस्ट को मतलब आप सिलेक्शन कर सकते हो। तो इसके हिसाब से आप ज़रूर इसको रडार पे रखना चाहिए। तो दोस्तों मेरा आज का यही था वीडियो जो कि आपको ये मोटिवेट करना जो कि बहुत ही अच्छा पोस्ट है इसके लिए और इसका लास्ट डेट है 9th May 2022। तो दोस्तों ज़रूर अप्लाई करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे एडवर्टाइज आपको लाता रहूँगा। थैंक यू।